हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एक प्रीवियस ईयर पेपर है। सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग आप इसको बोलते हो। सितंबर 2017 का ये आपका एग्ज़ाम है। टोटल नंबर 75, 3 घंटे का आपका पेपर है और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 5 हैं आपके क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट आपका 15 नंबर का है। इसके अंदर देखिए 3 पार्ट में आपसे पूछी गई हैं चीज़ें। पहले में पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में उसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ही आपका देखिए इस क्वेश्चन पेपर में ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ ली हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ डिफरेंस की फॉर्म में ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में पूछा गया है तो आपने बीच में लाइन लगा के एक तरफ ग्रोथ एक तरफ डेवलपमेंट ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना, ना कि आप ग्रोथ की अलग हेडिंग बनाओ और डेवलपमेंट की अलग। ठीक है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। अगर ये डेफिनेशन की फॉर्म में पूछते तो ये अलग अलग कह सकते थे डिफाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ आपने डिफरेंस ही लिखने हैं। नेक्स्ट बी पोर्शन में आपसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल्स बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कैसे होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द रिएक्शन ऑफ टोडलर टुवार्ड द हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, जो आपका टोडलर होता है उसका क्या रिएक्शन रहता है आपका हॉस्पिटल में जाके, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। टोडलर आप 3 साल तक के बच्चे को बोलोगे, ठीक है, तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा हॉस्पिटल में, वो आपने यहाँ पे बताना है। साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट आर द ट्रेंड्स अकर इन हॉस्पिटल केयर ऑफ चिल्ड्रन डिस्कस इन ब्रीफ। ठीक है, ट्रेंड्स का मतलब क्या दौर चला हुआ है हॉस्पिटल्स में बच्चों को लेके केयर का। अब आपको पता है बच्चों के लिए अलग से ICU बनाया जाता है जिसको निकू बोलते हैं, नियोनेटल ICU। ठीक है, SNCU भी होता है आपका, एक कंगारू मदर केयर भी एक अलग से है। तो यानी क्या क्या नई नई फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है या एक्सेस में बीमार होता है तो उसका इलाज किस किस तरीके से हो रहा है, इम्यूनाइजेशन के बारे में आप इसमें बता सकते हो। तो जो भी ट्रेंड्स, जो पहले नहीं था जो अब है, वो आपने यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ये पहले ही चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ट्रेंड्स वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है अब एक डिजीज कंडीशन आपसे यहाँ पूछ ली गई है व्हाट आर द जोन्स क्राइटेरिया टू डायग्नोज द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए आपके एक साइंटिस्ट थे जोनस, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया था। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, तो ये आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्कस द नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड विद द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर आप क्या करोगे। ठीक है, वो आपने यहाँ पे 8 नंबर में लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है राइट द नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये भी आपकी एक डिजीज कंडीशन पूछ ली गई है यहाँ पे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको पता है किडनी से रिलेटेड होता है आपका ये, और ये आपको बाय बर्थ बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। 7 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है IMNCI केयर ऑफ चाइल्ड विद डायरिया। ठीक है, तो डायरिया अगर किसी बच्चे को है तो क्या केयर प्रोवाइड करोगे आप, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। ये 2 कंडीशन आपसे पूछ लिया अलग अलग, यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, यहाँ डायरिया के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है कि किन्हीं 3 को ही एक्सप्लेन करना है, 5-5 नंबर के हैं वो भी आपके। ए में आपसे पूछा गया कंगारू मदर केयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो KMC कंगारू मदर केयर आपको पता है ये हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एक प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव आप कह सकते हो, ये एक तरीका है कंगारू मदर केयर, जिसमें माँ और बच्चे को एक साथ रखा जाता है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब ये कंजनाइटल बीमारी है, पाइलोरिक आपके स्टमक का एक पार्ट होता है, वहाँ पे अगर स्टेनोसिस हो जाती है, किस वजह, नैरोइंग हो जाती है, यानी वो हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और जो पाइलोरिक रीजन है वो हाइपरट्रोफिक, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये डिजीज आपकी इंपॉर्टेंट है, एक डिसऑर्डर है आपका कंजनाइटल, गैस्ट्रो वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे सी पूछा गया हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हाइपोथर्मिया किसको बोलोगे, जब टेम्परेचर कितने से कम हो जाए उस कंडीशन को आप हाइपोथर्मिया बोलोगे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके कॉजेज लिख के आओगे, फिर प्रिवेंटिव मेजर और ट्रीटमेंट लिखोगे। नेक्स्ट डी पार्ट में आपसे पूछा गया है जुविलाइन डेलिक्वेंसी क्या होता है, इसको बोलते हैं बाल अपराध हिंदी में, ठीक है। तो बाल अपराध क्या होते हैं वो सारे आपने लिखने हैं, ये भी आपके पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ई पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के क्या अधिकार हैं, 10 राइट्स होते हैं, ये भी आपका बुक के अंदर से ही क्वेश्चन है। तो सारे के सारे आपके बुक से ही हैं, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे और आपको पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली आपका हाइपोथर्मिया, कंगारू मदर केयर, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको लगभग हर पेपर में देखने को मिलते हैं, और एक आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।